ओके गाइस, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर हम कंपाउंडिंग करेंगे। सिर्फ $6 है हमारे पास, और ना सिर्फ कंपाउंडिंग बल्कि आपको इसमें कुछ जरूर लर्निंग मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग को बूस्ट कर सकता है, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है इसको एनहेंस कर सकता है। चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो, एडवांसर हो, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को पहले ही से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन है, हालांकि मार्केट यहाँ पर अप जाने की कोशिश किया है 15 सेकंड के मार्केट में। तो देखते हैं 1 मिनट के मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अपना ट्रेड है वो 15 सेकंड का डाउन डायरेक्शन में ओपन करेंगे। कोई नहीं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्या कॉन्सेप्ट है, मैं क्या देखकर ट्रेड ओपन कर रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को, किसी भी पार्ट का वीडियो को मिस ना करो, वरना प्रॉफिट करने की जगह हो सकता है लॉस कर जाओगे, क्योंकि सारा चीज आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रेड देखो हमारा विन हो गया। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो गया है। और या ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको उसमें डेली लर्निंग कंटेंट और सारी चीज़ें मिलते रहेंगी। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम। तो अभी आप देख रहे हो कि हमने 15 सेकंड का ट्रेड ओपन किया था, और 15 सेकंड के मार्केट में ऑलरेडी हमको दिखे, देखो ट्रेड ओपन करने का सिंपल सा सादा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल गया था, और ना सिर्फ ब्रेकआउट बल्कि जो कैंडल की मोमेंटम है, रेड कैंडल की जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रही है। एक बार मार्केट अप जाने को तो कोशिश किया था, लेकिन ये जो मेरा सपोर्ट लेवल है उसकी वजह से मार्केट डाउन जाते हुए तुमको दिख रहा है, और जो मोमेंटम है ना कैंडल की वो इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। और अब जो ट्रेड होगा गाइज वो अप होगा, अप डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब आपको दिख रहा है जो कैंडल का साइज है वो छोटा हो रहा है, मोमेंटम लूज हो रहा है। और मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियोस में भी बताया था कि मोमेंटम का बड़ा अच्छा यहाँ पर हमको प्रॉफिट होता है। तो ये जो ट्रेड है वो हम 30 सेकंड के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि हम 15 सेकंड का मार्केट देख रहे हैं, और ये रहा मेरा अप डायरेक्शन में ट्रेड। अब डायरेक्शन का ट्रेड लेने का कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे। देखो 30 सेकंड का, 15 सेकंड का मार्केट देख रहे हैं, तो 15 सेकंड का ट्रेड लेते, लेकिन मैंने 30 सेकंड का लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है नियर बाय मेरा एक SNR लेवल है, तो यहाँ से मार्केट का फ्लक्चुएट होना भी जरूरी है, डेट्स वाई जो मैंने ट्रेड है वो 30 सेकंड का लिया है, ठीक है। और ट्रेड क्यों लिया है अप डायरेक्शन में, क्योंकि आपको दिख रहा है रेड कैंडल का जो मोमेंटम है वो लूज हो रहा है, और हमको कंफर्मेशन के लिए क्या मिला, एक डोजी कैंडल मिला, और डोजी के बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिला। ओके, ये तो आपको दिख रहा है ये लास्ट के सेकंड में हमको प्रॉफिट हुआ है, अदरवाइज ये हमको लॉस हो जाता। कोई नहीं, तो ये हमको प्रॉफिट हो गया है, तो चलो कोई नहीं। अभी देखो मार्केट का डाउन आने का सिंपल सा कारण ये है कि मार्केट अभी इसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इससे मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। बट कोई नहीं, ये ट्रेड तो हमने प्रॉफिट कर लिया है, और मार्केट अप ही जाएगा क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स है उसका मोमेंटम लूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है एक SNR लेवल जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर हमको थोड़ा सा नीचे जाते हुए भी मिल रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं हम आगे प्रॉफिट कैसे करेंगे। अब आप देखो गाइस, एक दो करेंसी में, अगर एक करेंसी में एक दो प्रॉफिट कर लेते हो ना, तो मेक श्योर कि आप करेंसी चेंज भी कर लो, क्योंकि ऐसे हमको ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ट्रेड ओपन करेंगे, और ट्रेड ओपन करने का सादा सा कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि आपको दिख रहा है मार्केट इज फ्लक्चुएटिंग, मार्केट यहाँ पर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, एक रेंजिंग मार्केट हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए ट्रेड लूँगी, और मैं किस बेसिस पर ट्रेड ले रही हूँ ये सब जानने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं आपको वॉइस नोट पर वहाँ सब कुछ गाइड भी करूँगी। तो या टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, और ये जो ट्रेड होगी वो ऑफकोर्स डाउन डायरेक्शन में ही होंगी। ओके, मार्केट में जो को यार, अब जो हमको कैंडल की रिएक्शन दिखी है ना, रिजेक्शन दिखी है, वो मेरे को बोल रहा है अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने का। तो इस कैंडल के बाद आई होप मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लूंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5 सेकंड के लिए अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया है, और आई थिंक वो प्रॉफिट हो गया है। तो वो हमको प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कैंडल के मूव्स है ना छोटे छोटे, उसको फॉलो किया है। फुल कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं आपके लिए फुल कॉन्सेप्ट लाती हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, डेट्स वाई मैं अभी आपको उतनी डिटेल में नहीं बता रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करो ताकि मैं आपको और डिटेल में बता पाऊँ कि कैसे कैसे आपको मार्केट में स्विच करना है। देखो मैंने 1 मिनट का ट्रेड साइड नहीं लिया अभी तक ना, तो चलो ठीक है 1 मिनट का ट्रेड फिर हम लेते हैं आप। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड ओपन करेंगे, और इस मार्केट को देखने के बाद जो मेरा ट्रेड होगा, आपको यहाँ पर 2 मिनट का ट्रेड लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो देखो डाउन ही है, पर मार्केट कई दफ़ा अप जाने का कोशिश किया है, आपको ग्रीन कैंडल्स भी कई दफ़ा दिखने को मिल रही है। तो एक बार हम देखते हैं कि मार्केट क्या सच में अप जाने में है थोड़ा। तो मुझे यहाँ पर ये पता चला कि हम यहाँ पर जो डाउन डायरेक्शन के ट्रेड है ज़्यादा नहीं लेंगे, कन्फर्म है कि हम विन करेंगे। 30 सेकेंड ट्रेड है मैंने वो डाउन डायरेक्शन में ले ली है,
हालांकि मैं 2 मिनट का लेना चाह रही थी, लेकिन हमको देखो यार मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन आ चुका है, कितना डाउन जाएगा, तो हम 2 मिनट का ट्रेड लेकर रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और ये मेरा एक SNR लेवल है, मार्केट का यहाँ से डाउन जाना भी तय है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर, और शायद ये थोड़ा सा हमको फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहा है, बट वेट वाटर रिजल्ट हियर, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी डीप डाउन। तो हम और ज़्यादा लंबा 2 मिनट की ट्रेड नहीं लेंगे, हम 30 सेकंड में प्रॉफिट करके इस मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अभी अप बायर्स भी आना चाह रहे हैं। ओके, तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, और अब हम जो ट्रेड है अपने वो $71 का लेंगे, थोड़ा एक दो ट्रेड ही लेंगे, और उसके बाद मुझे कुछ आपको बताना है, ठीक है। ओके गाइस, तो अगली ट्रेड हम अपनी यहाँ पर ओपन करेंगे, और मार्केट में हमको यहाँ पर बिग रिजेक्शन दिखने को मिला है, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर जो ट्रेड होगा वो भी हमारा डाउन डायरेक्ट, नहीं, यहाँ पर हम 5 सेकंड का मार्केट होल्ड कर बैठे हुए हैं। डेट्स वाई मेरे को कम से कम, जब आप मार्केट रीड करते हो 1 मिनट और 15 सेकंड को देख लो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, उसके बाद फिर हम क्यूकी मूव्स देखने के लिए 5 सेकंड में जाएंगे। तो 1 मिनट में तो यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर काफ़ी साइडवेज है, मार्केट यहाँ ना तो अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, हालांकि ओवरऑल मार्केट का डाउन जाने का चांसेस ज़्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल क्रिएट है, मार्केट इस लेवल को तोड़कर आराम से ऊपर नहीं जाएगा, हालांकि हमको जाते हुए दिख रहा है, लेकिन हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। अभी 30 सेकंड रह गए हैं, ठीक है, 30 सेकंड अभी है इस खत्म कैंडल को खत्म होने में, 30 या 25 सेकंड, और मार्केट ऑलरेडी 15 सेकंड के मार्केट में एक SNR लेवल पर है, तो मार्केट यहाँ से भी डाउन जा सकता है। तो 15 सेकंड और 1 मिनट दोनों में हमको ये कन्फर्मेशन दिखने को मिल रही है कि मार्केट डाउन जा सकता है, जाएगा नहीं, डाउन जा सकता है, इसलिए हम अब 5 सेकंड के मार्केट को देख के डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे, अगर हमको कन्फर्मेशन मिलता है तो, ठीक है। और ये कन्फर्मेशन देखो, अभी जो ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लेती है तो हम अपर डायरेक्शन की सोचते, लेकिन ये नहीं कर पाया है, और कन्फर्मेशन के लिए एक मारुगोजो कैंडल मिल गई है, डेट्स वाई हम यहाँ पर जो ट्रेड है अपनी वो ज़्यादा नहीं 10 सेकंड के लिए डाउन डायरेक्शन में ओपन कर देंगे। और यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन में 10 सेकंड के लिए इसलिए ओपन किया है, क्योंकि ये मेरा एक SNR लेवल है, मार्केट यहाँ पर ज़रूर फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए जो ट्रेड है वो मैंने कुछ लंबा सेकंड का 10 सेकंड का ओपन किया है, और जो कि हमको प्रॉफिट हो चुका है। फुल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस, प्लीज़ कॉमेंट करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको जितने भी मेरे कंपाउंडिंग वीडियोज़ है ना, फुल कॉन्सेप्ट के लिए एक बार कंपाउंडिंग वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता चलेगा। 1 मिनट का ट्रेड अब तक हमने नहीं लिया है, डेट्स वाई हम 1 मिनट का ट्रेड लेंगे, और ये जो मेरा 1 मिनट का ट्रेड होगा वो डाउन डायरेक्शन में होगा। डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने का सिंपल सा कारण ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है गाइज, वो तो देखो पूरा का पूरा मेरा डाउन है, यहाँ पर मार्केट और आप जाने का कोशिश किया है, लेकिन अगेन डाउन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, और जिसका हमको अभी ब्रेकडाउन भी दिखने को मिल गया है, वो भी गैप डाउन के साथ, तो ये हमारे लिए और एक अच्छा कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट डाउन जाएगा। हालांकि अभी जो सेलर्स का कैंडल है उसमें हमको मोमेंटम दिखने को नहीं मिल रही है, मोमेंटम नहीं है, तो आप ऐसे ही कैंडल पर ट्रेड किया करो जो आपको हेल्दी दिखने को मिले, मोमेंटम के साथ मिले, जैसे कि ये ऐसा ऐसा मार्केट पे आप ट्रेड मत करो तो बेहतर होगा, क्योंकि आज फ्राइडे है जिसकी वजह से हमको ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा मार्केट में दिखने को मिल रहा है। और फुल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपको टेलीग्राम पे भी वॉइस नोट पे अच्छे से गाइड कर पाऊँ, साथ ही साथ आप मेरी ट्रेडिंग सिग्नल्स भी टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना यार, ताकि मैं फुल कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो ला पाऊँ। और मुझे इस वीडियो में आपको कुछ कंपाउंडिंग करके दिखाना था, जो कि मैंने दिखा दिया, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊँ जो आपको ओके तो ये ट्रेड हमारा विन हो गया, अब हम ओके तो ये अब ये ट्रेड मेरा विन हो गया है, अब हम ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे ना, कि आप लोग फटाक से सबको, जितने लोग देख रहे हो ना, सबको फटाक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा कि अब आप जो देख रहे हो, आप अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो आपको आप क्या सीख रहे हो, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज़ जानना मेरा भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग मी, और अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे, तो एटलीस्ट मुझे अपना जितना बन पा रहा है मेरे से एफर्ट दिखाना चाहिए, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। लेकिन आपकी एंथुसियाज्म को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्विज भी करेंगे, ठीक है, यानी कि आप मुझे टेलीग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको जितने भी मटेरियल्स है, जैसे क्विज हम करेंगे, और क्विज किस पर होगा तो मैं आपको बता दूंगी क्या हमारा सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, जैसे कि मान के चलो हमको पढ़ना है जो मैं आपको बताई हूँ वही, जैसे कि प्राइस एक्शन और या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज, तो इसका जो कंटेंट है, इसका जो रूपरेखा है, इसका जो भी है, वो चीज़ मैं आपको पहले टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी या फिर शीट प्रोवाइड कर दूंगी, कुछ भी PDF। अब आप उसको पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद क्या होगा कि हम करेंगे इसका
प्लीज कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो जब आप क्वीज में पार्टिसिपेट करेंगे, टॉप थ्री या टॉप 5 विनर होंगे, तो जो विनर होंगे उनको मैं अपनी तरफ से प्राइज भी देना चाहूंगी ताकि उनका एंथुसियाज्म बढ़े। और जो जैसे टॉप 5 में जो नए आते हैं, जो टॉप 20 में आते हैं या फिर जो जितने भी रैंक में आते हैं, एटलीस्ट उनको इंटरेस्टिंग लगेगा और वो अगली बार लाना चाहेंगे और उनको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, एंथुसियाज्म बने रहेगा। तो कहने का मतलब यही है, क्या करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे कैसे होगा कब होगा ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, टेलीग्राम पे ही इसका एक्सेस होगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम। और क्या कंटेंट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगी। तो इस वीडियो में मुझे आपको ये अनाउंसमेंट करना था कि हम अब अगली वीडियो में क्विज करने वाले हैं, या फिर देखते हैं कब करेंगे, जल्दी ही करेंगे, वीक में एक बार तो करेंगे ही करेंगे। तो बहुत मजेदार है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं क्विज खेलती हूँ ना, तो मन में यही रहता है कि मेरे को थोड़ा अच्छा रैंक लाना है, अच्छा रैंक लाना है, तो ये अच्छा रहता है। हम सीखते हैं इसके थ्रू, सीखना भी हो जाता है, गेम भी हो जाता है और प्राइस भी हो जाता है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम इसके लिए। और टेलीग्राम सिग्नल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट जरूर करना फुल कॉन्सेप्ट के लिए। और कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।